क्यों, हम जानवर हैं, हम गधे हैं। वो तो कुर्सी जी भी है, वो मोदी इवेंट जी भी है, वो फोटो सेशन जी भी है, है? वो तो झांसा राम जब गृह मंत्रालय उन पे, कृषि मंत्रालय उन पे, भाई हमारे पे तो एक मंत्रालय आया और वो है आंदोलन मंत्रालय। तो हम तो आंदोलन करेंगे, खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो तब कह रहे हैं पत्नी है, ये क्या तरीका है? अरे या तो ये कहो कि छोड़ दी, या ये कहो मेरी है साथ रख। पर थका दिया सरकार ने, पेल भर रही है। हमें क्या पेल रही है? अरे सरकार पिल गई। हाँ कैसे सरकार पिल गई? कैसे पिल गई सरकार? अब देखता रहो अभी कौन था, हम पे क्या फर्क पड़ रहा। हम तो घरों भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही। हम तो किसान, तो ना सावन सूखा ना भादो हरा। तो सरकार ने तो मना कर दिया बातचीत करने। अरे किसान ने भी तो मना कर दिया कि हम ना जाने के बिना बिल वापसी के। तुम बार बार आओ, सरकार को धर दो मेरे बीच में। सरकार से तो डिमांड। अरे किसान की भी बात कर करो, उससे क्यों ना जाके बात करते? वो कहीं भग जा। कर रहे बात हो तो कैसे करी तेने बताइए? संसद में नहीं बोला, सारे हर सूत्रों के हवाले मिल रही ना। अरे तमें तो सूत्रों के हवाले से खबर आवे, दिखाते ही नहीं है कुछ भी। तमें तो ये बस खाली थे। तमें तो सूत्रों के हवाले से खबर मिले, पैसे नहीं मिल लेगी तमें। पेंशन दे रहे मोदी जी आपको? किसे दे रहे? छोटे किसानों को। किसी को भी ना दे रहे, झूठ बोल रहा। अरे हम ना छोटे किसान। हरेंद्र जी, गर्मी का सीजन शुरू होने हो चुका है, फसल आ रही है गेहूं की, तो आप कैसे आंदोलन करोगे? अपनी फसल काटोगे? क्यों सारे कट रहे वहाँ से? अरे मानो तो देखिए, गृह मंत्रालय हमने अपने होम मिनिस्टर को दे रखा, महिलाओं को, और अब हमने कृषि मंत्रालय भी उन्हें दे दिया, वो भी हमने महिलाओं को दे दिया। तो भूसा तो ढोगे ना? वे तो ढोले हमारे तो सब शेरनी ऐसी है। जब गृह मंत्रालय उन पे, कृषि मंत्रालय उन पे, भाई हमारे पे तो एक मंत्रालय आया और वो है आंदोलन मंत्रालय। तो हम तो आंदोलन करेंगे, खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और जीत के भी जाएंगे। अरे पैदा ही आंदोलन जी भी हुए हम तो। हमने तो हम गद्दार नहीं है मोदी की तरह, हम देशद्रोही नहीं है मोदी की तरह। मोदी जी कैसा गद्दार देशद्रोही? जब देश आजाद, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारा देश आंदोलन से आजाद हुआ था, और मोदी जी उस आरएसएस के हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी या अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। मोदी जी का क्या कसूर है? क्यों? छोटे बच्चे रहे हैं। छोटे बच्चे रहे, कभी छोटा बच्चा बन जा। अरे 1947 से 1950 तक इसी आरएसएस ने भारत का तिरंगा जलाया। अरे जलाते थे, आप देखना इतिहास उठा के। और दूसरी बात, फिर जो है 55 साल तक उसी आरएसएस के नागपुर पे आज तक तिरंगा नहीं लहराया। ये देशभक्त है, ये उस समय भी देश के गद्दार थे, ये आज भी देश के गद्दार हैं। मोदी जी संसद में रो तो रहे हैं, और क्या करवाओ? हैं संसद में तो रो रहे हैं मोदी जी, और क्या करवाओ? रोया किसके लिए? पाकिस्तान के लिए है या ट्रंप के लिए? किसके लिए रोया? लोगों के लिए। कुछ कौन से लोगों के लिए रोया, तू ही बता पत्रकार। बहुत क्या, गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहा था, दुनिया रिटायर हो, ये तो हर 6 साल में रिटायर हो विधायक। ज्यादा उम्र तो मोदी जी की आजाद से ज्यादा, वो क्यों रिटायर नहीं हो रही है? ज्यादा उम्र तो मोदी जी की हो रही है गुलाम नबी आजाद से। अरे वो तो कुर्सी जी भी है, वो मोदी इवेंट जी भी है, वो फोटो सेशन जी भी है, हैं? वो तो झांसा राम जी भी है। आपने देखा नहीं? जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बाकायदा कह दिया है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ट्विटर से, फेसबुक से भी कहा है कि यदि आप खिलाफ खबर चलाओगे हमारे यहाँ पर तो हम आप पे केस करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करो आप। बिल्कुल, उनसे पता देना, इस रविशंकर से भी, कि जब टेलीकॉम मिनिस्टर था 90,000 करोड़ इन्हीं बीएसएनएल का, इन्हें प्राइवेट चैनलों पे आज तक छोड़ के रखा और बीएसएनएल डुबवा के चला गया। इनसे बता देना मोदी को भी
कि यही सोशल मीडिया है जिसका प्रयोग करके आज प्रधानमंत्री बन गया। आज सोशल मीडिया खराब लगती है, बहुत बढ़िया। और ये वही सोशल मीडिया है कि जब तेरे सही कारनामे दिखाने शुरू कर दिए तो इससे एलर्जी हो गई, पत्रकारों को जेल भेजना शुरू कर दिया। यही सोशल मीडिया है, जैसे तुझे गद्दी पे बैठाया है यही सोशल मीडिया तुझे गद्दी से जमीन पे लाके पटकेगी। यही सोशल मीडिया। वाराणसी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ है गूगल के सीईओ के खिलाफ में। दो जो आरोप ये है कि उन्होंने पीएम के लिए वीडियो बनाई थी जो भाजपा वालों को अच्छी नहीं लगी, एफआईआर करा दी उन्होंने। देखिए मैं कहता हूँ मंदारी यही तो होता है कि मंदारी को जो अच्छा लगे बस वो वही दिखाना चाहता है, बाकी नहीं। अगर सच दिखाओगे तो परेशान हो जाओगे लेकिन पराजित नहीं होगे। राहुल गांधी जी ने भी कल कह दिया है सदन में बाकायदा कि ये केवल किसानों का नहीं आंदोलन, ये पूरे देशवासियों का आंदोलन है, देश का आंदोलन है। देखिए मैं विपक्ष वालों की बात नहीं करता लेकिन ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन रहेगा, क्योंकि अब इसमें कोई किसान की बात नहीं पूरे देश की बात होगी। जन आंदोलन जन का है, क्यों हम जानवर हैं, हम गधे हैं। ये आंदोलन जीवी है लड़का, ये आंदोलन जीवी है, ये आंदोलन जीवी है, मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन जीवी है। क्यों? क्योंकि इनके बड़ों ने शहादत दी है देश के लिए, तो आंदोलन जीवी है पूरा। जो आंदोलन करेगा वो सब आंदोलन जीवी है, और जो ये संसद में बैठे हैं ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। मोदी जी ने तो पूरा परिवार ही छोड़ दिया कौन के लिए। क्या छोड़ दिया? ऐसा नालायक बेटा जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? कब जावे? जब जरूरत हो, कोई इवेंट करना हो तो पहले सारा डीडी टीवी वाले के कैमरे लग जाएंगे, सरकारी दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, कि वहाँ भेज देगा अपने माँ के पास, वहाँ पहले से सेट होंगे किस एंगल से लिया जाएगा। कभी आपने देखा कि मोदी जी के मुंह में वो टुकड़ा दे रही, मोदी का मुंह छुप जा, नहीं छुपने का, मोदी का भी दिखेगा उसकी माँ का भी दिखेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ फोटो जी भी है। कोई भी सरकार होती है वो संवैधानिक रूप से कानून बनाती है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि 7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पर काबिज है वो लगातार इस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना रही है, तो इस पर क्या कहें? मैम इसमें है कि उन्होंने अभी संवाद कायम नहीं किया है, वो कानून जो कि पूर्ण बहुमत से है, उनके राज्य में सरकारें हैं, उनका केंद्र सरकारें हैं। जिस तरीके से आप देखोगे संवाद जब से उनकी सरकार बनी है तब से कई ऐसे कानून लाए गए हैं जो पूर्ण बहुमत के वहाँ पे है, ना किसी से राय ली गई है, चाहे एनईपी की बात है। उन्होंने इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के लिए ले आई है, शिक्षा के बदलाव बोल रहे हैं, तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में आनंद फानंद में लिया है, ना तो सारी यूनिवर्सिटियों को नोटिस भेजा है कि आप इस पर चर्चा करके प्रोफेसरों से राय लीजिए, तो हर जगह पे ऐसे ही कानून ले आ रहे हैं चूंकि पूर्ण बहुमत है, तो रातों रात को 12 बजे उठ के वो राष्ट्रपति सिग्नेचर करवा के कानून पारित करवा दे रहे हैं। वो आम जन की ना राय ले रहे हैं ना किसी की। अगर किसानों के लिए बिल ला रहे हैं ना तो खा पंचायत में, ना तो किसानों के संगठनों में जाके उन्होंने राय ली है। यूनिवर्सिटी के लिए लड़कों के लिए कोई न्यू योजना ले आ रहे हैं तो ना तो प्रोफेसरों के पास जा रहे हैं ना छात्र संगठन के पास जा रहे हैं कि आपके लिए ये योजना है, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक